माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और आज है संडे और काम बेनतहा है, बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि कल जो है बच्चों के कपड़े मैंने छोड़ दिए थे, आज कपड़े भी धोने हैं और प्लस बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे खुद करने और मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उसमें एक काम यह है कि मुझे आज कमेटी देनी होती है, क्योंकि हमारा आज कमेटी का डे होता है, तो ये है कमेटी, तो ये मैं जा रही हूँ अभी देने जिनकी है। और फिर बस अपने काम वाम शुरू करेंगे, क्योंकि नाश्ते के बाद जो है अभी गुची को नहला रहे हैं, जैन गुची को नहला रहा है और सारे बच्चों को, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें निकालनी मुझे स्टोर रूम से, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो रात में उनको बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा कवर करके। तो बस जो जो हम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ जो है ये रह गई है नहाने के लिए ना, और ये पानी से बहुत डरते हैं। अब जो है शावर टाइम है बेटा, डरती है ज़रा, आराम से आराम से। ये अनाया का ड्रेस ना मैंने बनवा के रखा था, ये दोनों साइड से पहन सकते हैं। अनाया दिखाओ पीछे से, तो ये दोनों साइड से पहन सकते हैं मल्टी कलर में, लेकिन इसको अब तक पहना के शूट नहीं किया, अभी पहन के खड़ी हो गई है। तो बिल्डिंग के ऊपर से गया है बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है दोपहर का, तो पकोड़े हैं साथ में, ये चिकन आलू का सालन जो अभी भी बना हुआ है, और बना दे राइस, और साथ में ये चटनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ जा रही हो मुझे लेके? एज यूजुअल चले। हाँ, क्या हुआ? मुस्तफा ने मेरे गले में नाखून मारा। आप मुस्तफा के भाई हैं ना अब्दुल्ला, उनको बताइए क्या? जैन के पास उनका नंबर ही नहीं है। है उनका नंबर? बता देना। यहाँ पे ना हुआ ये कि मैंने आज जोहिर को बोला मटर लेके आओ, मटर चावल बनाएंगे, साथ मेरा ये था कि मैं चिकन थोड़ी सी है तो मैं उसको स्टीम कर लूँगी, लेकिन जोहिर को मटर मिले नहीं और दही भी वो लेके नहीं आया, तो मैंने कहा कि फिर हम बनाते कुछ और। तो मैं बना रही हूँ पालक रोस्ट चिकन, मैंने यहाँ वॉश कर ली है, और साथ मैंने ना प्याज की थोड़ी सी ग्रेवी बना ली है बस। और यहाँ पर मैंने पालक को, हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर को बॉयल कर लिया, क्योंकि मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, इसमें बटर भी ऐड करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, अच्छा बनता है, मज़े का लगता है। रोटी पे अगर आप बटर लगा के इसके साथ खाएं तो आपको साग जैसा टेस्ट आता है। ऐसे साग हम खा चुके हैं, क्योंकि सबसे पहला साग जो है मेरी दोस्त के घर से आया था, मैरिज के घर से, तो वो हमने इंजॉय कर लिया है। और आज फ्रूट्स आए हैं आयत और जमल के घर से, उन्होंने फ्रूट्स भिजवाए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे फ्रूट हैं और बहुत शुक्रिया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इनसे दिल खुश होता है इंसान का। तो आजकल ना अनाया बना रही है ड्राइंग, दिखाओ अनाया ड्राइंग में क्या बनाया। तो गाइस, ये मैं हूँ, ये मम्मा, ये बाबा है, ये आपकी थी, ये कुछ ही, एक चुन्नू है, एक मुन्नू है, और एक इसकी बीबी है, और तीन है। हाँ। एक दो तीन, मतलब इनकी फैमिली है और हमारी फैमिली है, ऊपर है जो हिप जाए। और ये देखे कि क्या बना हुआ है, ये हार्ट बने हुए सारे, ये अनाया का लव है, और साथ साथ कौन है? अरे जो हिप जाए का है इसमें, ये ऊपर तो रहे, दिखाओ ऊपर, ये भाई, ये जुहेब जैन और अहमद हैं, और ये ना है, ना ये मैं हूँ। अच्छा, ये आप, ये जुहेब, ये जैन, ये अहमद है, ये
ये कौन है? नहीं, ये ज़ुहैब अहमद, ये है ज़ैन, और ये है हमारा मेरी। चलो कमल है ये। सही है। और मेरे हस्बैंड यहाँ की लाइट्स लेकर आए हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये एंट्रेंस के ऊपर लाइट्स ऑफ होती हैं तो ये अच्छी लगती है। इसमें मल्टी कलर के कैंडल्स इस तरह डाल दिए हैं, तो क्योंकि ये मेरे पास पड़े हुए थे फ्रेम्स तो मैंने इसको यहाँ लगा लिया था। अब इसके अंदर कैंडल्स डाल दिए तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका, रात में स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। आप क्या बना रही हैं यहाँ पे? बेसन के लड्डू। ओके, खुशबू तो आ रही है। खाना शुरू ही बेसन का। हाँ, मुझे तो आ रही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लड्डू बना रहा है अहमद, और यहाँ पे क्या कहते हैं कपड़ा पर आवे, और साथ में ये बेसन बेसन है। गाइस आज मैं मैजिक देखेंगे। हाँ दिखाओ। ओ ये कैसे किया तुमने? हैं? मेरा ये जो रबर है ना, ये टूटा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा ये भी मैं पैन लगा दूँ उसके नीचे। ये तो अच्छा है। खाना हमारा यहाँ लग गया है, देर हो गई है। बस बनाए हैं प्लेन राइस है, साथ पालक पनीर बनाया है, और साथ शामिल हाय और साथ मैं सीटी वाली बनाया। हम मैंने आज मेरा हमने मेरे दोस्त ने आज मैंने नाखून बनाया, जो अभी तक लाल हो रहा है ना वो नाखून है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे लड्डू के रेडी हो चुके हैं, और जब मेरी नेबर ने चटनी भेजी हुई थी तो उनके लिए भी मैंने लड्डू निकाल लिए, उनके यहाँ भिजवा दूँगी। तो रात की कोई 12:15 बज रहे हैं, अब मैं फ्री हुई हूँ किचन से, और अभी हम नीचे जा रहे हैं। मैंने लड्डू उठा लिए अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि पत्नी नज़र लग गई हमारे ग्रुप को, और काफ़ी सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। लेकिन ठीक है, जो आते हैं वो तो आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि आपस में मिलना चाहिए, और क्योंकि साथ रहते हैं तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो बस रोशिन के यहाँ से कल मुझे चटनी आई हुई थी, आलू बुखारी की चटनी, तो अब मैं उनके लड्डू लेके जा रही हूँ, क्योंकि बर्तन वापस करने थे तो मैंने कहा ये कर लूँ फर्स्ट दबा देना। तो यहाँ पे रात के कोई 4:15 हो रहे हैं, और बस मैं अभी एडिटिंग से फ्री हुई हूँ, भूख लगी भी है, और रात को जो है मुझे रोशनी ने बिरयानी भिजवाई है, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी रखी हुई है, और भूख लग रही है तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बिरयानी ट्राई करूं, और खुशबू तो बहुत अच्छी है। बहुत मज़े की बनी हुई है। तो आज काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि काम करते करते जो है टाइम लगता है, और रात में ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं एडिटिंग भी कर सकूँ सुकून से। थोड़ी देर पहले ही अनाया सोई है, और काम मुझे अपने निपटाने होते हैं। आज थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब है, उसकी वजह यह है कि बड़ा टाइम लगा के जो है मैंने एक सर्कल बनाया था, एक सोशल सर्कल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सब यहाँ अकेले हैं, और सबकी फैमिलीज बड़ी दूर दूर हैं, और लोग जो हैं मोस्टली अपने शहरों से भी दूर हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज से हैं, जिस वजह से अकेलापन बेइंतहा है, और कोई ऐसा
है नहीं कि मतलब जिस तरह आपके सिटीज़ के अंदर होता है, लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं या शादियाँ होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि सब लोग ही जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो बहुत आसानी से जो लोग हैं वो एक साथ नहीं बैठते या एक दूसरे से नहीं मिलते। बहुत कोशिशों के बाद लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया था, हंसना शुरू किया था और एक अच्छा रिलैक्सिंग टाइम हम गुजारते थे। जो भी घंटा डेढ़ घंटा होता था उसके अंदर हम बड़ा रिलैक्स करते थे क्योंकि पूरा दिन ऑफ कोर्स काम करते हैं, 10,000 सबके अपने अपने मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम हंस बोल लेते थे तो शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत नागवार गुजर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि सब आपस में मिल रहे हैं और आपस में एक गैदरिंग्स हो रही हैं और एक अच्छा टाइम गुजर रहा है, अकेलापन इतना फील नहीं होता था। इसी वजह से जो है अब तक मैंने घर भी यहाँ से शिफ्ट नहीं किया, जबकि मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए जो अकोमोडेशन है उसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि पहले जब आप बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं और हमें क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहना था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि हम मैनेज ना कर सकें, लेकिन यहाँ पे एक ताल्लुक़ बन गया तो बस दिल लग गया है यहाँ पे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों से दिल ख़राब हो गया है क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद जो लोगों को एक दूसरे के साथ बैठाया था अब लोग फिर अलग अलग हो गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी रोमर्स फैलाते हैं जिससे अगले लोग डिस्टर्ब हों या वो जो है किसी प्रेशर में आए, दैट्स वाई जो लोग हैं वो फिर निकलते ही नहीं हैं। और आप लोगों को याद होगा मैंने बोगनवेलिया के ना फ्लावर्स को जो है ड्राई किया था कॉपी में रखकर और इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और ये ड्राई फ्लावर्स जो हैं प्रिजर्व हो गए, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये और बिल्कुल ड्राई हुए हुए और कलर भी इनका स्टिल है। और यहाँ पे मेरी फिशेस जो है ना सो रही हैं और सब सोए हुए हैं, सब जो है जाग रहा है, बाकी सब सो गए इनके बच्चे। देखे मैंने चावल के दाने डाले हैं, अभी बिरयानी के दाने गिरे थे, कुछ खा रहे हैं। और बस यहीं से हम अपना दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड और गुड मॉर्निंग, बस थोड़ी देर में सुबह होने वाली है इंशाल्लाह। तो खैर दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम एक चीज़ नहीं कर पा रहे तो दूसरे भी वो चीज़ ना करें, तो खैर ये रैंडम सी चीज़ें हैं और बस सारे ज़हनी और दिमागी मसले हैं क्योंकि घरों के अंदर इतनी स्पेस नहीं है और सब अपने अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, तो बस ये थोड़ा बहुत जो टाइम होता था हमारा वीकेंड पे, हम सब कोशिश करते थे कुछ ना कुछ बनाएं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो उन सारी चीज़ों को नज़र लग गई है और अब हर बंदा अपने अपने स्पेस में घूम रहा है। तो खैर कोई मसला नहीं, जिसको जैसे रहना है वो रहे, हर बंदे को पूरा राइट है क्योंकि कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं करता, हर बंदे की अपनी लाइफ है और उसको पूरा हक है कि वो अपने तरीके से जिए और दूसरों को भी जीने दे। अगर उसको एक चीज़ नहीं करनी तो दूसरों को एटलीस्ट उस चीज़ से मना ना करे या उनको ना डराए। तो खैर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे, जब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।